हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका जैन। आज हम सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट में कैसे हम अपने स्लाइड शो प्रिपेयर करते टाइम न्यू स्लाइड को ऐड या इंसर्ट कर सकते हैं, और कि कैसे हम कोई भी लेआउट को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एमएस पावर पॉइंट में हम कोई भी टैब को या कोई भी स्लाइड को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले होम टैब में जाना होगा। ये हमारे होम टैब है, फर्स्ट ही हमारी होम टैब होती है, मैंने आपको बताया था एमएस वर्ड में। ये क्या होती है, हमारी होम टैब होती है, उसमें ये हमारे ब्लॉक्स हैं, उसमें हमें स्लाइड्स नाम का जो ब्लॉक दिख रहा है ये वाला, हमें इसमें आना है। देन ये आपको न्यू स्लाइड का ये ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये हमारा न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन है, हमें इस पर क्लिक करना है। तो देखिए हमारे पास एक न्यू स्लाइड जो है आ गई है। देखिए हमारे पास न्यू स्लाइड आ गई ना, पहले तक आपको दिख रही थी मेरे पास चार स्लाइड्स थी, सॉरी तीन स्लाइड्स थी, अब मेरे पास चार स्लाइड्स हो गई। कैसे हुई, हमें होम टैब के स्लाइड्स ब्लॉक पर जाना है, उसके बाद हमें वहाँ न्यू स्लाइड्स का जो ऑप्शन मिलेगा हम वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे पास न्यू स्लाइड आ गई। देखिए पहले हमारे पास चार स्लाइड्स हो गई थी जैसे हमने एक न्यू स्लाइड ऐड की थी, अब हमारे पास पांच स्लाइड्स हो गई। देखिए हमारे पास पांच स्लाइड्स हो गई ना फ्रेंड्स। ओके, ये तो थी एक बात कि कैसे हम किसी भी न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट बनाते, अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते टाइम। दूसरी आती है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। ये देखिए जैसे मेरे पास एक लेआउट ये है, एक लेआउट मेरा ये है, ये देखिए जिसके अंदर मैं कुछ भी जो है ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकती हूँ, क्लिप आर्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट, मीडिया क्लिप, कुछ भी इंसर्ट कर सकती हूँ। कुछ ऐसे होते हैं हमारे लेआउट्स। तो लेआउट्स लाने के लिए फ्रेंड्स क्या करना है, हमें होम टैब के स्लाइड्स ब्लॉक में ये न्यू स्लाइड का जो आपको ये ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है। और ये देखिए हमारे पास बहुत सारे लेआउट्स ओपन हो गए हैं, इनमें से आप अपने यूज़ के हिसाब से कोई भी लेआउट चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मेरे को ये वाला लेआउट चाहिए, मैंने ये ले सकती हूँ, मेरे को टू कंटेंट के लिए चाहिए, मैं टू कंटेंट के लिए ले सकती हूँ, सेक्शन हेडर, टाइटल एंड कंटेंट, पिक्चर विद कैप्शन, ये देखिए मैंने जैसे ये लिया, इधर हम कोई भी जो है पिक्चर ऐड कर सकते हैं, उसका टाइटल, उसके बारे में कुछ और टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं। कैसे किया हमने, ये होम टैब के स्लाइड्स ब्लॉक में जो न्यू स्लाइड में हमें ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है वहाँ जाकर हमने क्लिक करना है। हमने क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास ब्लैंक भी है, कंटेंट विद कैप्शन है, टाइटल ओनली, ये देखिए मैंने टाइटल ओनली पे लिया, तो यहाँ पे हम सिर्फ टाइटल लिख सकते हैं अपना। तो आज हमने क्या सीखा फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते टाइम उसमें न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम लेआउट्स चेंज कर सकते हैं। दोनों के लिए ही हमें होम टैब के स्लाइड्स ब्लॉक में जाना होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हाउ टू इंसर्ट स्लाइड्स एंड हाउ टू इंसर्ट लेआउट्स का ये टॉपिक समझ आया होगा। ध्यान से देखिए, समझिए और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।